कोई खास काम मुझे तुमसे बड़ा बताता हुआ तुम्हारे पास है। अरे काम तो वही है, काम तुम्हारे पति से नहीं है, काम तो मुझसे तुम्हारा है। अब सुनो हमारी बात को ध्यान से, मैं किस उद्देश्य और किस मकसद से तुम्हारे पास चलकर आया हूँ। और काम नहीं पति से तेरे आए मेरी कुठार, लेकिन लगता है कुछ ही देर में मैं बेहोश ही होने वाला हूँ। और सुबह सुन रही अभी ना तेरी है।
अपनी अपनी जिंदगी अपनी अपना मुंह खोल देते हैं तो तुम किस खेत की मूल्य हो? भलाई इसी में है कि यहाँ से पैर पटक करके निकल जाए। पैर पटक के यहाँ पे कौन जाएगा ये तो वक्त बताएगा। बच्चों को जमीन पे लिखा दो महावीर और मेरे पीठ पर इसके दोनों बच्चों की मुंडी अलग होनी चाहिए। अगर तुम मेरा पहला नहीं मानोगी तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मौत के घाट पर डालूंगा। तुम मेरे बच्चों को ढाल बनाकर मुझे झुकवाना चाहते हो? तुम मेरे बच्चों को ढाल बना रहे हो? कभी नहीं। तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ये नहीं कर सकता हूँ। इनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकता हूँ? अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मौत के घाट पर डालूंगा। एक तरफ तुम्हारी इज्जत और दूसरी तरफ तुम्हारे दोनों बच्चों की जान। अब तुम सोच समझ कर बताओ तुम्हारी इज्जत क्या है या दोनों बच्चों की क्या बात है? आज ये तूने मुझे कैसे मजलिस में लाकर डाला? आज मैं मोड़ पर खड़ी मारवियर, ये लगता है मेरा ट्रेनर नहीं मारे गुरु। मैं क्या फोन लेता हूँ और मेरे तीन महीने बाद बच्चे की मार लिया लगे। तो क्या सोच रही हो सकता है? राखी खुद ही संभाल जाए क्योंकि तू ही बच्चा है। मार तो दस मिनट तूने कैसे मजे से मिलाकर मुझे डाल दिया? मैं तेरे भी तो क्या कहूँ? दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्यार दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है। या तो मैं अपनी इज्जत को बचाऊं या
याद अपने वचन के प्राणों की रक्षा कर। मैं स्वयं भी तो क्या कर, मेरी कुछ समझ और मेरे तीन कहने पर बच्चे के मन में अलग होनी चाहिए। नंबर एक रोड बचो, रोड चले मंदिर की भगवान की बात चली चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ भी कहेंगे आपकी सारी बात तैयार हो।